नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार संघ बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज गुप्त काल है, जिसका फर्स्ट पार्ट बन चुका है और ये सेकंड पार्ट है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्तकालीन भूमिकरण, भूमि वर्गीकरण। क्षेत्र किसे कहा जाता था? खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु किसे कहा जाता था? निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। खिल किसे कहा जाता था? जो भूमि कृषि योग्य नहीं होता था उसे खिल कहा जाता था। अपराहत किसे कहा जाता था? जंगली भूमि को अपराहत कहा जाता था। नेक्स्ट है चरागाह, चरागाह किसे कहा जाता था? पशुओं को चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को चरागाह कहा जाता था। किस शासक ने चार अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवरसेन प्रथम ने। किस शासक ने चार अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवरसेन प्रथम ने। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलती है? मुद्रा राक्षस में। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मुद्रा राक्षस में। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ पे स्थित है? बिटूर कानपुर में। नेक्स्ट है कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्के अर्थात मयूर शैलियों में का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में ही की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में की गई थी? तो कुमार गुप्त के शासनकाल में ही की गई थी। ये वीवीआई क्वेश्चन है। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? व्यापारिक मंडी। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? व्यापारिक मंडी। नेक्स्ट, शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहाँ इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। अब भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। शतरंज का खेल भारत में ही गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से ही यह ईरान एवं उसके बाद यूरोप में पहुंचा। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? ताम्रलिप्ति। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? फाहियान। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? फाहिया। नेक्स्ट है भारत हिंदू देवी देवता को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल में का है? गुप्त काल। भारत हिंदू देवताओं की समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? गुप्त काल का। सती प्रथा का प्रारंभ प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक एक सैनिक था, उसकी स्त्री की अर्थात उसकी पत्नी की सती होने के उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशमी कपड़े। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशमी कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणराज्यों के अंत के लिए कौन सा उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टम रूप मिलता है अजंता में। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टम रूप मिलता है अजंता में। विशाखदत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। विशाखदत्त द्वारा लिखा गया नाटक देवी चंद्रगुप्त में उल्लेखित है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन अर्थात मिलावट धातु का प्रसिद्ध सर्वाधिक है? स्कंदगुप्त। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन अर्थात मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? प्राकृत। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? प्राकृत। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से साकरी कहा गया है? शकों पर विजय के कारण। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया है? शकों पर विजय के कारण। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है? प्राग अभिलेख में। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है? प्राग अभिलेख में। हूनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था, इसमें स्कंदगुप्त ने हूनों पर विजय प्राप्त की थी। हूनों ने स्कंदगुप्त पर
स्कंद गुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंद गुप्त विजय हुआ था और हूनों को पराजित होना पड़ा था। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? निगम। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। वाराह गुफा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? भगवान विष्णु। वाराह गुफा का निर्माण किस देवता के शासनकाल सम्मान में किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? भगवान विष्णु। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश। राजवंश स्थापना एवं संस्थापक। वाकाटक राजवंश का संस्थापना कब हुआ था? 255 से 330 ईस्वी के बीच में। विंध्य शक्ति एवं सर्वसेन। नाग राजवंश का स्थापना कब हुआ था? 305 ईस्वी में। इसका संस्थापक था भवनाग। नागवंश का संस्थापना कब हुआ था? 305 ईस्वी में। और इसका स्थापक कौन था? भवनाग। नेक्स्ट है, त्रिकुटक राजवंश का स्थापना 415 ईस्वी में हुआ था। इसका संस्थापक कौन था? इंद्रदत्त। त्रिकुटक राजवंश का स्थापना 415 ईस्वी में हुआ था। इसका संस्थापक कौन था? इंद्रदत्त। हुन राजवंश का स्थापना 500 ईस्वी में हुआ था। इसका संस्थापक कौन था? तुर्मान। हुन राजवंश का संस्थापक कौन था? तुर्मान। यह कब हुआ था? 500 ईस्वी में। सालंगकायन राजवंश का स्थापना 300 ईस्वी में हुआ था। इसका संस्थापक कौन था? देववर्मन। सालंगकायन राजवंश का स्थापना 300 ईस्वी में हुआ था। इसका संस्थापक था देववर्मन। विष्णुकुंडिन राजवंश का स्थापना 475 ईस्वी में हुआ था। इसका संस्थापक कौन था? विक्रमेंद्र प्रथम। विष्णुकुंडिक राजवंश की स्थापना 475 ईस्वी में हुआ था। इसका संस्थापक कौन था? विक्रमेंद्र प्रथम। माथुर राजवंश का स्थापना 325 या 350 ईस्वी में हुआ था। इसका संस्थापक कौन था? अच्युत एवं शंकरवर्मन। नेक्स्ट है, कलहन के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। कलहन के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। दोस्तों, ये पार्ट 2 था और ये गुप्त काल का लास्ट वीडियो था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।